हेलो स्टूडेंट्स, अपना बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 9 स्प्रिंट बैच के नंबर सिस्टम चैप्टर का लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 हमारा होगा रैशनलाइजेशन का सेकंड पार्ट होगा। लेक्चर नंबर 7 भी रैशनलाइजेशन ही था, वो फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोगों ने पहले वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो वाला लेक्चर जाके देखिए, उसके बाद में लेक्चर 8 देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 7 में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो सिंपल लेवल के क्वेश्चंस थे। लेक्चर नंबर 8 में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, 8-10 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, लेकिन इनका लेवल थोड़ा पहले वाले लेक्चर से हाई होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ 3 मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिए हैं। तीनों क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने का मतलब है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है और उसके बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको बताना है। तो देखो यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में दे रखा है 7 + 4√3, मतलब √3 से हमें एडिशनलिटी को रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम रैशनलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं या रैशनलाइजिंग फैक्टर बोल सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 - 4√3 और 7 - 4√3। यहां से हमने क्या कर दिया, दोनों को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 7 - 4√3 से। अब यहां देखो ऊपर क्या होगा, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे क्या बन जाएगा। देखो जैसे ही अगले स्टेप में जाओगे तो नीचे a+b और a-b वाली आइडेंटिटी बन गई, वो क्या बनेगा, a²-b²। तो नीचे तो हो जाएगा डिनोमिनेटर में तो 7² - 4√3 का स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, पहले 5 को दोनों से करेंगे, 5 - 7 = 35, 5 ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का आएगा 5, 4 जा कितना हो जाएगा 20√3। फिर इसको इससे करेंगे तो देखो 7 + 2 = 14, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, इसलिए प्लस का 14 आएगा √3, ऐसे कैसे आ गया। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा, √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 8 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कैसे किया, 2 को 4 से किया 8 आ गया, फिर √3 को √3 से किया 3 आएगा, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। ये प्लस का है ये माइनस का, इसलिए माइनस का 24। अब ऊपर अगर सिमिलर लाइक टर्म्स जो भी होंगे उनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखो 35 - 24 करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, माइनस माइनस या प्लस वो अभी यहां देखते हैं हम लोग। तो देखो इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे, तो ये दोनों लाइक इरेशनल नंबर है क्योंकि दोनों में जो इरेशनल फैक्टर है वो क्या है, कॉमन है √3 √3। तो -20√3 + 14√3 ये हो जाएगा -6√3 और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहां तो आएगा 49 माइनस 7 - 7 = 49 होता है, यहां पे देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। जब आगे नीचे सबट्रैक्ट करोगे नीचे 1 आ जाएगा, 49 - 48 1 हो जाएगा, ऊपर केवल क्या बचा 11 - 6√3 और नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैं मल्टीप्लाई वगैरह कैसे कर रहा हूँ इसके लिए आप लोगों को लेक्चर नंबर 5-6 देखना पड़ेगा। उसके अंदर मैंने क्या किया है, रेशनल नंबर्स के साथ ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे किया जाता है, वो अच्छे से आप लोगों को वहां एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग पहले उस लेक्चर को जाके देखिए प्लेलिस्ट में जाके, उसके बाद में इस लेक्चर को, इससे पहले वाले लेक्चर को भी देखिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखो, फिर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। नीचे क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसके ऑपोजिट साइन से क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 3√5 + 2√6 / 3√5 + 2√6, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो नीचे क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में a - b a + b, तो a² - b² हो जाएगा आइडेंटिटी लगा के, a² - b² हो गया। ऊपर क्या होगा, देखो न्यूमरेटर को इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, फिर इन दोनों को भी करना पड़ेगा। तो देखो इसको पहले इससे करते हैं, 2 × 3 = 6, √6 और √5
फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा रूट थर्टी, फिर इसको इससे करेंगे तो एक टू टू जा फोर, रूट सिक्स को रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स हो जाएगा और फोर सिक्स जा कितना होगा ट्वेंटी फोर। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसको इससे करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का आएगा थ्री, ऐसे कैसे रूट फाइव को करेंगे तो रूट फाइव को रूट फाइव से करेंगे फाइव आएगा, फाइव को थ्री से करेंगे तो फिफ्टीन आएगा, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का आएगा रिजल्ट, फिर ये टू है पहले तो रूट फाइव को रूट सिक्स से किया रूट थर्टी आ गया, रूट थर्टी को टू से करेंगे तो टू रूट थर्टी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो देखो अब इसको और इसको तो ये दोनों लाइक है, कंबाइन कर सकते हैं, तो देखो सिक्स रूट थर्टी माइनस टू रूट थर्टी ये हो जाएगा फोर रूट थर्टी, फिर यहाँ पे ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन करोगे तो ये कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा, प्लस का नाइन आएगा क्योंकि ट्वेंटी फोर क्या है बड़ा है, और नीचे क्या बनेगा देखो थ्री का स्क्वायर नाइन, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव माइनस टू का स्क्वायर फोर और सिक्स, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर हो गया, तो ऊपर तो क्या बन गया नाइन को पहले लिख देता हूँ मैं, नाइन प्लस फोर रूट थर्टी डिवाइड बाय इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो, तो जब सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा ट्वेंटी वन आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसका रिजल्ट हमारा क्या होगा फाइनल, अगर ऊपर कुछ कॉमन आ रहा होता तो हम उसको सोल्व करते, ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये हो जाएगा। ठीक है फिर हम इसको करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारे को दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो देखो करना स्टार्ट करते हैं हम, बेसिक जो तरीका है उससे, यहाँ ऊपर नीचे क्या करें रूट फोर मतलब क्या बोलते हैं, पहले एक काम करते हैं इसको एक स्टेप में थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को तो मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ न्यूमिनेटर वाले पार्ट को, तो डिनोमिनेटर को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देखो कैसे इसको क्या लिखा जा सकता है सिक्सटीन मल्टीप्लाई थ्री लिखा जा सकता है रूट के अंदर, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट क्या होता है फोर, तो कितना बना फोर रूट थ्री, प्लस 18 को क्या लिखा जा सकता है 9 मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है रूट में, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, तो इसको क्या लिख सकता है 3 रूट 2, तो इसको हम लिख सकते हैं ये, तो ये वाला जो नंबर है वो अब एक्चुअल में कैसा बन गया ये, तो अब हम पहले इसको यहां लिख देते हैं, तो देखो 4 रूट 3 प्लस ये कितना हो गया 3 रूट 2। आई होप आप लोगों को ये कैसे कन्वर्ट किया ये समझ में आ गया होगा। ठीक है तो देखो अब हमारे पास जो नंबर है वो ये बन चुका है 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 डिवाइड बाय 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। अब हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो ये नीचे प्लस है तो ऑपोजिट साइन यानी नेगेटिव से क्या करना पड़ेगा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 और नीचे क्या आएगा 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 2। तो देखो नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे भी करना पड़ेगा, फिर इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखो पहले इसको इससे करते हैं 4 4 जा 16 हो गया, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 3 आएगा, 16 को 3 से करेंगे 48, फिर इसको इससे करेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का आएगा, 4 को 3 से किया था 12 आएगा और रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों प्लस के हैं तो 5 को 4 से करेंगे तो 20 आएगा, रूट 2 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 6 आएगा, फिर माइनस ये प्लस का है ये माइनस का इसलिए माइनस का आएगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आएगा और फिर रूट 2 को रूट 2 से करोगे तो 2 आएगा, फिर 15 को 2 से करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इनको तो सेपरेट कर देते हैं, 48 माइनस 30 कितना होगा 18 हो जाएगा, फिर इन दोनों को देखोगे तो यहाँ देखो 20 रूट 6 में से 12 रूट 6 गया तो प्लस का 8 रूट 6 बच जाएगा और डिवाइड में कितना आएगा देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, बीच में माइनस है माइनस आ जाएगा ऐसे कैसे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, तो ऊपर तो देखो कितना बन गया। अब यहाँ ऊपर कुछ कॉमन भी आ रहे थे, देखो दो कॉमन आ रहे हैं
नीचे कितना ऊपर कितना बच गया, यहाँ तो 9 बच गया और यहाँ बच गया 4√6 डिवाइड बाय नीचे देखो कितना हो जाएगा 13। अब ये आगे नीचे भी डिवाइड हो रहा है, देखो 2 1 2 2 15 30 हो गया। तो यहाँ फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 9 + 4√6 डिवाइड बाय 15, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। आई होप आप लोगों को तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को और देखते हैं। अब हम इन दो क्वेश्चंस को और सोल्व करके देखते हैं, फिर एक नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग दो एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसी के साथ फिर लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ क्या है, एक सिंगल नंबर नहीं दे रखा हमारे को, दो नंबर एक साथ दे दिए, तो हमें घबराना नहीं है, हमें क्या करना है इसको अलग से रैशनलाइज कर देना है, इसको अलग से रैशनलाइज कर देना है, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि हम इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं और उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दोनों तरीके समझा दूं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी रैशनलाइज कर दो, इसको भी रैशनलाइज कर दो। तो यहाँ क्या होगा, देखो अगली स्टेप अगर हम बनाए इसकी, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √5 -√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और इसका रैशनलाइजेशन करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, माइनस का है तो प्लस के से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो क्या बनेगा अगले स्टेप में, ये तो हो गया √5, ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करना, ये प्लस का है तो माइनस से करना पड़ेगा, और बीच में माइनस है तो माइनस, और यहां क्या होगा, ये माइनस का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, या न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों से √5 + 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमें इनको सबको सिंप्लीफाई करके लिखना है फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। तो अब देखो इस वाले पार्ट को अलग सोल्व कर सकते हो और इस वाले पार्ट को अलग सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो तो इस वाले पार्ट को कैसे सोल्व करना, तो ध्यान से देखोगे तो आप ऊपर देखो नीचे तो a+b a-b बना है, ऊपर क्या बन गया a-b टाइप का, यानी a-b का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया a+b का होल स्क्वायर बन गया। तो देखो नीचे तो क्या हो जाएगा, इधर मैं इसको अगले स्टेप में भी लिखूं तो √5 - 2 का होल स्क्वायर बन गया ऊपर तो, और नीचे क्या बन गया √5 + 2 और √5 - 2, यानी a+b a-b बन गया, यानी √5² - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, देखो यहाँ √5 + 2 √5 + 2, यानी यहाँ क्या बन गया √5 + 2 का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे क्या बन गया √5² - 2 का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा √5 - 2 का होल स्क्वायर, अभी मैं एक स्टेप ऐसे ही कर देता हूँ, यहाँ है √5 + 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 - 4 करना पड़ेगा, यहाँ भी कितना होगा 5 - 4। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो नीचे 5 - 4 1 हो गया, यहाँ भी 5 - 4 1 हो गया, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा आगे क्या हो रहा आ जाए, मतलब आगे हमारा क्या रिजल्ट आएगा, √5 - 2 का होल स्क्वायर - √5 + 2 का होल स्क्वायर। अब हम एक तो तरीका यह है कि इसका स्क्वायर अलग कर दे, इसका स्क्वायर अलग कर दे, और इन दोनों को क्या कर दे माइनस कर दे। तो अभी आप यही तरीका फॉलो करो, अभी तक आप लोगों को आइडेंटिटी के साथ इतना मतलब डील करना नहीं आता है, जैसे आप आइडेंटिटी सीख जाओगे तो आप लोग क्या करोगे फिर इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करके भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसका होल स्क्वायर करवा रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2 है, तो a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे √5 b की जगह पे 2 फिर माइनस। अब ध्यान क्या रखना है, ये माइनस इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो आप लोगों का आंसर गलत निकल के आएगा। तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, तो a² यानी √5 का स्क्वायर, मैं पे इसको कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ, प्लस बी यानी 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा 2 × √5 × 2। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और √5 हो जाएगा माइनस, कर्ली ब्रैकेट ऐसे कैसे चलाता हूँ, √5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे 2 × 4
और फोर रूट फाइव। आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ये माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो अंदर सबके साइन बदल जाएंगे। तो फाइव प्लस इसको आप चाहो तो एड भी कर सकते हो, तो नाइन हो गया माइनस फोर रूट फाइव। यहाँ पे ये नाइन हो गया था तो आगे यहाँ पे माइनस था तो माइनस का नाइन हो जाएगा, और यहाँ प्लस का फोर रूट फाइव है जो कि बाहर माइनस होने की वजह से माइनस का फोर रूट फाइव हो जाएगा। तो देखो नाइन माइनस नाइन तो जीरो हो गया, माइनस फोर रूट फाइव और माइनस फोर रूट फाइव कितना हो जाएगा माइनस एट रूट फाइव। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आप लोग अभी एलसीएम वाला तरीका रहने दीजिए, उससे भी अगले स्टेप में क्या बनेगा ऐसा ही बनेगा। तो ये वाला तरीका ध्यान रखना कि अगर ये अलग अलग बहुत सारे टर्म्स को कंबाइन करके दिया हुआ है तो सभी टर्म्स को अलग अलग क्या कर दो रेशनलाइज कर दो, और उसके बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। आई होप ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए, पहले कॉन्सेप्ट को सीखिए, फिर इसके ऊपर खुद अप्लाई कीजिए, और उसके बाद में आप लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आप लोगों का रिजल्ट आने लग जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा ही, तो इसको जैसा किया था वैसे इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में नीचे डिनोमिनेटर में 3 प्लस रूट 5 है, यहाँ पे कितना 3 माइनस रूट 5 है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना हुआ 3 माइनस रूट 5, इसका कितना हुआ 3 प्लस रूट 5। तो हम अगली स्टेप में देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 प्लस 3 रूट 5, 3 प्लस रूट 5, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर कितना होगा 3 माइनस रूट 5। तो 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 3 माइनस रूट 5, बीच में माइनस है तो माइनस, 7 माइनस 3 रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5। आई होप ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। फिर इस वाले पार्ट को अलग से सोल्व करना है, इसको अलग से सोल्व करना है, फिर दोनों को कंबाइन करते जाते हैं। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, नीचे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। नीचे क्या होगा, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा देखो 7 को 3 से करेंगे 21, ये प्लस का ये माइनस का इसलिए माइनस का बनेगा, 7 को रूट 5 से करेंगे तो 7 रूट 5 होगा, फिर इसको इससे करेंगे तो देखो 3 को 3 से करेंगे 9 और रूट 5 है तो ऐसा कैसे आ जाएगा 9 रूट 5, दोनों प्लस के थे इसलिए प्लस का है, फिर इसको इससे करेंगे ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आएगा, रूट 5 को रूट 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 को फिर 3 से करेंगे तो 15 होगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस आ गया ऐसे कैसे। फिर यहाँ क्या होगा, नीचे तो अभी भी ऐसा ही होगा ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो देखो अब आगे क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा देखो, इसको पहले इन दोनों इससे करेंगे, ठीक है ध्यान रखना मैं ये बाहर माइनस है तो इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है आगे अगले स्टेप में आप लोगों को पता चल जाएगा ब्रैकेट में नहीं लिखने से क्या नुकसान होगा हमारे को, ठीक है। तो देखो 7 को 3 से करेंगे तो 21 आया, फिर 7 को इससे करेंगे तो प्लस का 7 रूट 5 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस का आएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा रूट 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का आएगा, रूट 5 को रूट 5 से करेंगे 5 होगा, 5 को 3 से करेंगे तो 15 होगा। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, कोई ऐड हो रहा है तो उसको ऐड कर लेते हैं। पहले देखो यहाँ कितना होगा 21 माइनस 15 करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 9 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 करोगे तो माइनस 7 रूट 5 करोगे तो प्लस का 2 रूट 5। और नीचे क्या बना देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, मैं इसको यहाँ और सोल्व कर देता हूँ, 9 माइनस रूट 5 का 5 होगा और सोल्व करने में कितना आएगा 4, तो नीचे बनेगा 4, बीच में माइनस है माइनस होगा ऐसे कैसे, 21 माइनस कितना होगा 15 तो 6 आएगा, फिर देखो यहाँ पे 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 तो जाएगा माइनस का 2 रूट 5, और नीचे कितना आएगा यहाँ भी 4 आएगा, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, इसका भी डिनोमिनेटर में 4 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है, इसको इस 4 को इससे डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ ब्रेकेट लगाना पड़ेगा, ब्रेकेट नहीं लगाओगे तो ओनली इसका माइनस लिखोगे, और या हम क्या करेंगे इसको ऐसे कैसे माइनस में नोट कर देंगे, वरना एक्चुअल में होगा क्या, ब्रेकेट लगाने की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगले स्टेप में प्लस हो जाएगा। तो देखो अभी अगले स्टेप में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या है, इस 4 को इस 4 से डिवाइड किया 1 टाइम हुआ, इसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा 1 को, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लगा मतलब ब्रैकेट नहीं लगाता तो मैं इसको ऐसे लिखता, ठीक है
और एक्चुअल में ब्रैकेट होने की वजह से होगा क्या, 6 प्लस 2 रूट 5 माइनस 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 5, 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4। ऊपर देखो 6 माइनस 6 तो कितना हो गया, 0 हो गया, 2 रूट 5 और 2 रूट 5 कितना हो जाएगा, 4 रूट 5 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 ऐसे कैसे चल रहा है, 4 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, तो ओनली फाइनल आंसर कितना आया, रूट 5। आई होप आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से नोट कीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगली स्लाइड पे मैं दो एग्जाम्पल सोल्व करवाता हूँ, तो इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम हमारे लास्ट दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसी के साथ फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो देखो सेम जैसा हमने लास्ट स्लाइड पे क्वेश्चन किए थे वैसा ही ये वाला क्वेश्चन, तो इसका हमें अलग से रेशनलाइजेशन करना है, इसको अलग से करना है, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो एक काम करता हूं, मैं इसको अलग से सोल्व कर देता हूं पहले पूरा। तो कितना होगा, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए नीचे प्लस है तो ऑपोजिट साइन माइनस से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3। तो देखो ऊपर a माइनस b, a माइनस b टाइप का बन गया, तो क्या बोल सकते हैं इसको, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर बोला जा सकता है, और नीचे a प्लस b, a माइनस b बन गया, तो यहां क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो होल स्क्वायर करते हैं ऊपर तो क्या बनेगा, मैं इस वाले पार्ट को अलग से सोल्व कर दूंगा, फिर दोनों को लास्ट में कंबाइन कर देंगे। तो देखो होल स्क्वायर में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस होगा, 2 ए बी कितना है ये, 2 ए की जगह पे 3 रूट 2 और बी की जगह पे 2 रूट 3, और डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का 2, 9 टू जा 18, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, 4 3 जा 12। फिर यहां और आगे सोल्व करें तो देखो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, अभी अभी हमने किया है इसका स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसका स्क्वायर जो इसका स्क्वायर होगा वो इसका आएगा, ये कितना आएगा 12 आएगा, माइनस ये कितना होगा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, सॉरी 4 3 जा 12, और रूट 2 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 6, यानी कितना बन गया 12 रूट 6 डिवाइड बाय, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 18 माइनस से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो अगले स्टेप में देखो ये कितना बन गया, जो सम करोगे तो 30 माइनस रूट 12, मतलब 12 रूट 6 डिवाइड बाय 6। ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जब आगे सोल्व करोगे तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा माइनस 2 रूट 6 डिवाइड बाय 6, 6 से 6 डिवाइड हो गया, कितना बचा 5 माइनस 2 रूट 6। ये तो इस वाले पार्ट का रिजल्ट है, इस वाले पार्ट का क्या आएगा, तो देखो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा तो यहाँ सोल्व कर देता हूँ, बाकी फिर यहाँ सोल्व कर दूंगा। तो देखो पहले तो रूट 12 को कुछ लिख सकते हैं क्या हम, तो रूट 12 को हम बोल सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 का रूट 3 हो जाएगा और रूट 3 ऐसे कैसे चल जाएगा, मतलब रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 3। तो उसके बाद में क्या होगा, 2 रूट 3 ऊपर चली रहे, नीचे कितना है रूट 3 माइनस रूट 2 है, हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो रूट 3 प्लस रूट 2 और रूट 3 प्लस रूट 2। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, एक स्टेप और यहाँ कर देता हूँ फिर नीचे लिख दूंगा। अब ये रूट टू इन दोनों से होगा, पहले इसको इससे करेंगे, तो देखो रूट थ्री को रूट थ्री से किया तो 3 होगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसको इससे करना है तो देखो 2 ऐसे कैसे आएगा, रूट थ्री को रूट टू से करोगे तो रूट 6 आएगा, तो कितना आएगा 2 रूट 6, नीचे कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन जाएगा ना, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इस बाकी पार्ट को मैं यहां लिख रहा हूं, 6 प्लस 2 रूट 6 ठीक है, और यहां पे कितना होगा रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 2, रूट 2 का 2 हो जाएगा, तो देखो ऊपर क्या बचा 6 प्लस 2 रूट 6। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर अब हमें इन दोनों को क्या करना है, बीच में एडिशन था तो एड कर देते हैं इन दोनों को, तो एड करेंगे तो देखो 6 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6 है 2 रूट 6 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है माइनस का है,
सिक्स प्लस फाइव कितना आएगा, इलेवन। तो इलेवन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें तीन क्वेश्चन एक साथ दे दिए, तो हमें क्या करना है, तीनों को अलग से सोल्व करना है और फिर तीनों को कंबाइन कर देंगे। तो देखो मैं तीनों को यहाँ अलग से सोल्व करता हूँ, टू प्लस रूट थ्री, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टू माइनस रूट थ्री और टू माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन के लिए। फिर इसकी बात करें, टू अपॉन रूट थ्री माइनस रूट रूट फाइव माइनस रूट थ्री, तो इसको रूट फाइव प्लस रूट थ्री और रूट फाइव प्लस रूट थ्री से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसकी बात करें तो वन अपॉन टू माइनस रूट फाइव, तो इसको टू प्लस रूट फाइव और टू प्लस रूट फाइव से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ऐसे कैसे आ जाएगा, नीचे क्या होगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो टू माइनस रूट थ्री ऐसे कैसे आ गया, टू का स्क्वायर होता है फोर माइनस रूट थ्री का होता है थ्री, जब आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, टू माइनस रूट थ्री और नीचे वन आएगा, वन लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फिर ऊपर क्या करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इस टू को पहले बाहर ही लिख लेता हूं भाई, इस टू को इन दोनों से करना है, मैंने बाहर ही लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया नीचे, तो रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो क्या है, ऐसे कैसे चलेगा ये, रूट फाइव प्लस रूट थ्री, नीचे देखो रूट फाइव का स्क्वायर कितना होगा, फाइव माइनस रूट थ्री का थ्री, जब इसको आगे और सोल्व करोगे तो टू आएगा और इस टू से फिर क्या होगा, ये टू कट जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, इसको रूट फाइव प्लस रूट थ्री बचेगा ओनली। आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, टू प्लस रूट फाइव डिवाइड बाय, इसको इससे करोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। तो कितना होगा, टू प्लस रूट फाइव, नीचे कितना होगा, फोर माइनस फाइव। तो अब नीचे वन नहीं बच रहा, कितना बच रहा, माइनस वन। तो उस माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर माइनस वन ऐसे करके लिख सकते हैं, टू प्लस रूट फाइव भाई, माइनस वन बच रहा है, मतलब वो माइनस साइन काम में आएगा हमारा, वन से तो कोई भी डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर क्या लगा देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। अब हमें तीनों को कंबाइन करना है, तो तीनों के रिजल्ट को एक साथ एड कर देते हैं। तो देखो टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट फाइव प्लस रूट थ्री, फिर यहाँ पे आएगा माइनस। अब ये देखो ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का टू हो जाएगा और ये माइनस का रूट फाइव हो जाएगा। तो देखो आगे सोल्व करते हैं, टू माइनस टू जीरो हो गया, रूट फाइव माइनस रूट फाइव भी जीरो हो गया, रूट थ्री देखो ये प्लस का ये माइनस का ये भी जीरो हो गया, यानी फाइनल में कुछ नहीं बचा, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा रेशनलाइजेशन का पार्ट टू खत्म होता है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर एट था। लेक्चर नंबर नाइन भी हमारा रेशनलाइजेशन वाला ही होगा, जिसके अंदर हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तीन चार, ठीक है। उसी के साथ फिर हमारा रेशनलाइजेशन खत्म हो जाएगा, फिर आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।